मकर संक्रांति के मौके पर शनिवार रविवार को राजधानी में दो दिन तक पतंगबाजी परवान पर रहेंगे। इस दौरान डीजे की तेज आवाज म्यूजिक के साथ ही अल सुबह से देर शाम तक काटवो काटा का शोर सुनाई दिया। शाम को आसमां में विशिंग लैंप छोड़े गए और दिवाली की तरह आतिशबाजी हुई। वहीं सूर्यदेव रात 9:15 बजे उत्तरायण में पहुंचेंगे। 5 साल बाद रविवार के दिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल का संयोग बना है। वहीं मकर संक्रांति देवताओं का प्रभात काल माना जाता है। आज के दिन मंदिरों में पतंगों की झांकियां सजाई जाएंगी। 20 से अधिक स्थानों पर पतंग उत्सव के आयोजन हुए, जहाँ एक तरफ जयपुर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा हुआ था तो दूसरी तरफ आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में ठाकुर जी को सोने चांदी की पतंगें उड़ाई गईं। आपको बता दें कि रियासत काल के दौर से ही यह पतंग चरखी खास है। चरखी का वजन करीब 400 ग्राम है। जगमोहन में पतंगों से विशेष सजावट के साथ ही ठाकुर जी को तिल के पकवानों का भोग भी लगाया जाएगा। हरगढ़ पकौड़ो, तिल की पकड़ी, तिल के लड्डू, रेवड़ी और गजक की महक से महक उठता है। सैलानियों की निगाहें सवेरे से शाम तक आसमान पर टिकी रहती है और वे पतंगबाजियों के दांव पेच देखते हुए लोक धुनों पर थिरकते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।